नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मोटरसाइकिल के सिलेंडर हेड की जो वर्किंग है वो बताऊंगा कि कैसे वर्क करता है सिलेंडर हेड। देखिए, ये सिलेंडर हेड है, मोटरसाइकिल का सिलेंडर हेड है। जब हम लोग बाइक को स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअली में मैग्नेट जो है वो काम करता है, और इस पर लगी हुई जो क्रैंक है वो घूमती है। क्रैंक के कारण आप लोगों की जो टाइमिंग चैन है वो घूमती है, और उससे लगी हुई ये जो पुली है वो घूमती है। तो आप लोगों को दिखा रहे हैं, अब ये है पुली जिससे वो घूमता है। अब हम लोग पलास की सहायता से इसको घुमाएंगे। ये देखिए, ये टाइमिंग चैन है और ये वर्किंग डिटेल्ड है इसकी। जब ये यहाँ से घूमती है तो टाइमिंग चैन घूमती है, और जब टाइमिंग चैन घूमती है तो क्या होता है अभी बताते हैं। देखिए, अब ये देखिए, इस पर लगी हुई टाइमिंग चैन जो है वो घूमती है। जब टाइमिंग चैन घूमती है तो ये जो रोकर हैं, इसके ऊपर लगे हुए रोकर्स हैं, वो इस वाल्व को दबाते हैं। देखिए, घुमा के बताते हैं हम लोग। अब ये देखिए, ये जैसे ही ये करे होगी तो ये आपस में वाल्व जो हैं वो नीचे की ओर प्रेस होंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, नीचे की ओर प्रेस हो चुके हैं। रोकर की सहायता से नीचे की ओर प्रेस हो चुके हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये वाल्व जो है वो नीचे की ओर प्रेस्ड हो जाते हैं, दब जाते हैं, और दबने की वजह से यहाँ से जो ऑयल है वो ऑयल आना शुरू हो जाता है। ये देखिए, दोनों वाल्व हैं, यहाँ से फिर जो है वो ऑयल आता है। जैसे ही रोकर जो है वाल्व को दबा देते हैं तो यहाँ से ऑयल जो है वो आना शुरू हो जाता है। जैसे ही ये ऑयल को खींचता है, अपनी ओर खींचता है, तो यहाँ पर एक ये देखिए, अगर यहाँ से अब ऑयल, यहाँ से जो धुआं है वो निकलता है, कंबशन हो गई, यहाँ से बीच वाला जो पार्ट है वो कंबशन का है, तो यहाँ से जो होता है वो ये पावर जो है यहाँ से चिंगारी लगती है। ये क्या काम करता है, वापस से हम लोग आप लोगों को ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये चिंगारी देने का काम करता है, और यहाँ पे जो भी ऑयल आता है वो उसको जलाता है। जलाने के कारण जो पिस्टन होते हैं वो नीचे की साइड दबते हैं और ऊपर होते हैं। जब वो दबते हैं नीचे तो क्रैंक जो है वो काम करने लग जाती है। यहाँ पर कंबशन होता है और इसकी वजह से पिस्टन जो है वो दबते हैं। पूरा हम लोग आप लोगों को डिटेल्ड बता रहे हैं, दोबारा से हम लोग आप लोगों को बता देते हैं। जैसे ही हम लोग मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं तो एक मैग्नेट होता है, जो हम लोग वीडियो के लास्ट में आप लोगों को दिखाएंगे, वो घूमता है, उसकी वजह से क्रैंक घूमती है। क्रैंक घूमने की वजह से जो टाइमिंग चैन है वो भी घूमती है। घूमने की वजह से जो रोकर होते हैं वो वाल्व को दबाते हैं, और जैसे ही वाल्व दबते हैं तो ऑयल जो है वो एयर के साथ इसमें आता है और हेड में आता है, और हेड में आने के बाद यहाँ पर जलता है, इस बीच वाले मिडल पार्ट में वो जलने लग जाता है। तो ये इसकी वर्किंग डिटेल है, मतलब कहते हैं कि यहाँ पर एकदम जितना प्रेशर लगना होता है, जैसे आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा यहाँ पर बम्ब ही फटता है, कहने का मतलब है इतनी एयर प्रेशर मिलती है ताकि पिस्टन जो है वो नीचे की ओर प्रेस्ड हो जाए आसानी से।
तो ये उसकी वर्किंग डिटेल है, ये हेड की वर्किंग डिटेल है। अब पिस्टन हम लोग आप लोगों का भी दिखाएंगे कि पिस्टन जो है वो कैसे काम करता है, कैसे वर्किंग डिटेल होती है उसकी। पावर प्लग जो होता है वहीं से चिंगारी जो है वो लगती है। जैसे हम लोग सेल्फ करते हैं तो पावर प्लग में करंट आता है जिसकी वजह से चिंगारियां जलती हैं, और इसमें जो ऑयल आता है वो यहाँ पर कम्बशन होता है, और उस कम्बशन की वजह से प्रेशर नीचे की ओर पड़ता है और पिस्टन जो है उसको वो नीचे की ओर दब जाता है। एक बार ऑयल ये खींचता है, और जब ऑयल खींचता है तो ऑयल वाला जो हिस्सा है वो खुल जाता है, और जो धुआं वाला हिस्सा है जिसमें से धुआं निकलती है वो बंद हो जाता है। जब वो धुआं निकलती है तो ऑयल वाला जो हिस्सा है वो बंद हो जाता है। ये दोनों प्रक्रियाएं हैं आपस में। तो ये वर्किंग डिटेल है। अब हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये हिस्सा है, ये है पिस्टन। ये पिस्टन जो है वो नीचे की ओर जो है वो प्रेस होता है। तो दोस्तों ये है पिस्टन की वर्किंग डिटेल। अब देखिए ये पिस्टन है, ये यहाँ पर लगा हुआ होता है और जब कंबशन होता है तो नीचे की ओर डलता है। ये है आपके पास क्रैंक। तो ये जो क्रैंक है ये कैसे काम करती है, देखिए हम लोग बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले जब सेल्फ स्टार्ट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, तो ये मैग्नेट जो है वो घूमता है और ये क्रैंक जो है वो घुमाती है टाइमिंग चैन को। ये टाइमिंग चैन होती है जो कि वहाँ पर लगी हुई होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।